आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। हाय फ्रेंड्स, अब तो काढ़ा का महत्व हर घर घर में लोग जानने लगे हैं। आयुष मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार काढ़ा और गर्म पानी का महत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करते वक्त भी इसके फायदे बताए हैं। मैं काढ़ा बनाने के लिए एक कंटेनर में 3 ग्लास पानी डालूंगी। ये देखिए, मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिए हैं, 1 ग्लास पानी मैं और डाल रही हूँ। मुझे इसको 3 ग्लास की जगह अच्छी तरह से उबालकर सिर्फ 2 ग्लास के ही काढ़े बनाने हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए मेरा पानी हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी खड़े मरीच, इसे मुझे अभी कूटना नहीं है, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी 6-7 लवंग, ये देखिए ये लवंग भी मैंने पानी में डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 खड़ा तेजपत्ता। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी इलायची जिसे मैंने छील कर डाले हैं, ये देखिए बीज भी दिख रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दालचीनी, दालचीनी मार्केट में खड़े मिलते हैं, उसमें डस्ट होते हैं, मैंने इसे तोड़कर धोकर साफ़ करके डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, अजवाइन सर्दी खांसी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो वो ज़्यादा फ़ायदा है, नहीं तो घर घर में पाउडर हल्दी तो होता ही है। ये भर मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें अदरक को घिस करके डाल रही हूँ, आप इसे अच्छी तरह से कूट कर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप इसकी जगह बतासा भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी और गैस का फ्लेम मैं हाई कर दूंगी। ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल रही हैं, पानी मेरा एकदम बॉईल होने लगा है। अब मैं इसमें मरीच के 4-5 टुकड़ों को कूट कर डालूंगी ताकि इसका अर्घ पानी में खूब अच्छी तरह से उतर जाए। लवंग और इलायची सर्दी खांसी गले की खराश में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ये देखिए ये मैंने कूट करके डाल दिए, काढ़ा मेरा खूब अच्छी तरह से उबल रहा है। अब मैं इसमें 20 से 25 तुलसी के हरे पत्तों को अच्छी तरह से तोड़ करके डाल दूंगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से तोड़ करके पानी में डाल दिए, इसे भी मैं खूब अच्छी तरह से चला दूंगी। तुलसी का पत्ता बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है, ये एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी पावर को बहुत ही स्ट्रांग करता है, बढ़ाता है। हमें बहुत ज़रूरी है इस टाइम इस काढ़े का सेवन करना। देखिए ये अच्छी तरह से मैं चला रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। ये देखिए मेरा काढ़ा खूब अच्छी तरह से, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसका स्टीम भी ले सकते हैं। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए ढक दूँगी। 1 मिनट के बाद देखिए मेरा काढ़ा खूब अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। इसे खूब अच्छी तरह से बॉईल करना है ताकि सारे चीज़ों का अर्घ इस पानी में उतर जाए, वही काढ़ा हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एक बार मैं फिर सारी चीज़ों को चला दे रही हूँ। ये देखिए ये मेरा काढ़ा बिल्कुल अच्छी तरह से खौल रहा है, इसे खूब अच्छी तरह से ही उबालना है। ये देखिए ये मेरा काढ़ा 3 ग्लास के पानी की जगह जलकर अच्छी तरह से पककर 2 ग्लास हो चुका है, मेरा काढ़ा बिल्कुल ही रेडी है। अब मैं इसे कप में सर्व कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। ये देखिए ये मैंने 2 कप में काढ़ा को निकाल दिए हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही टेस्टी भी होता है। आप बच्चों को भी इसका सेवन करा सकते हैं, इस COVID-19 में इस काढ़ा का बहुत महत्व है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।